शहरियों के लिए एक और इम्तिहान तैयार। 1 अगस्त से आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 15 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 5 रुपए 38 पैसे फी लीटर महंगा किए जाने का इम्कान। समरी वजारत खजाना और वजारत तवानाई को हड़ताल कर दी गयी। उधर शहरियों का एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी है ना, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पहले टैक्सेस की भरमार थी, वो महंगाई बढ़ गई, अब इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है। कैंसर के मरीजों के साथ पंजाब हुकूमत का सौतेलों जैसा सलूक। पंजाब हुकूमत ने ब्लड कैंसर के इलाज के लिए फंड बंद कर दिए। 125 करोड़ के बकाया जांच वाजिबुल अदा। नए मरीजों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी बंद। 5,000 से ज्यादा मरीज कैंसर के मुफ्त इलाज से महरूम। सबसे महंगी दवाई कैंसर की बीमारियों की होती है, जो इंतहाई आखिरी स्टेज पर होता है, वो कैसे अफोर्ड करे? जिनके घर का खर्चा नहीं है वो कैंसर का कैसे इलाज करेगा? हुकूमत ने पहले स्टाल वालों की दवाई बंद कर दी है, अब जो है उन्होंने कैंसर वालों की दवाइयाँ बंद कर दी है। बाहर से बहुत महंगी मिलती है गरीब आवाम। हालिया बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। सादिकाबाद जमालुद्दीन वाली में दरियाए सिंध भर गया। सुपर 1 300 फुट तक दरिया बुट। कटाव के बायस करीबी आबादी को शदीद खतरा लाहक। बस्ती मंझानी के मकीनों की नकल मकानी। हंगामी बुनियादों पर बचाव बंद को बचाने के लिए काम का आगाज। उधर मियावाली यारोफेर में दरिया सिंध का पानी आबादी के करीब पहुँच गया। मकीन खौफ में मुफ्तल। हुकूमत ने गरीबों का हाथ थाम लिया। गुरबा की अमदाद के लिए 35 करोड़ की रकम जारी। मुल्तान के लिए 3 करोड़, बहावलपुर के लिए 2 करोड़ 25 लाख और डेरा गाजी खान के लिए 2 करोड़ मुख्तर। गरीबों के लिए रकम डिप्टी कमिश्नर को जारी करने का अख्तियार दिया गया है। सेहत के मसाइल का होगा खात्मा, तालीम का मैयार होगा बेहतर। नई सड़कें बनेंगी। मुल्तान तरक्याती इदारा की भाग दौड़ में एक कदम और आगे। 76 अरब 62 करोड़ के 405 मंसूबे जारी। कमिश्नर ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग ली। उधर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने 82 करोड़ की 86 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में बिजली का निजाम चलेगा सोलर पर, MOU साइन। सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब आमिर जान और MS शाहिद सलीम ने मुआहदे पर दस्तखत किए। 5 करोड़ से पहले फेज में 400 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करके 4 लाख यूनिट पैदा किए जाएंगे। मियांवाली के बासियों के लिए अच्छी खबर। माँ और बच्चे को मिलेगी बेहतर से भी सहूलियत। वजीर आजम के शहर में 100 बेड 200 बेड के मुश्तमिल बच्चा बच्चा अस्पताल की मंजूरी। PND बोर्ड ने मजमुई तौर पर 4 अरब जबकि इब्तदाई तौर पर 2 करोड़ के फंड मंजूर कर लिए। महकमा हेल्थ बहावलपुर ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। पंजाब भर में सेहत के मैदान में आखिरी नंबर पर। डिप्टी कमिश्नर शोजत सईद सीफा CEO पर बरस पड़े। कहा बहावलपुर महकमा सेहत की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो महकमा कंपनी के हवाले करने की सिफारिश की जाएगी। मुल्तान निश्तर अस्पताल में अद्वियात नापैद। सर्जिकल आलात मयसर नहीं। 4 में से 2 ऑपरेशन थिएटर गैर फाल। लेबर रूम भी अल्लाह के हवाले। टीथ सर्जरी में भी सहूलियात की अदम दस्तयाबी। लवाहिकीन खुद सामान लाने पर मजबूर। ख्याल करना चाहिए भी, गरीब जो आते हैं धक्के खा के उनका ख्याल करना देखना। हम गरीब आदमी हैं, उधर से आते हैं इधर धक्के आए और बगैर धक्के के और कुछ भी नहीं है। नेशनल अस्पताल मुल्तान करप्शन केस। MS नेशनल अस्पताल डॉक्टर आशिक मालिक को अधिकार मुलजिमान की अबूरी जमानत में तौसी। उधर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मोमिन आका ने MS नेशनल अस्पताल डॉक्टर आशिक मालिक की मौतली के अहकाम बहाल कर दिए। डॉक्टर इंसाफ कासमी को MS मुल्तान नेशनल अस्पताल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। मुस्तहिक होनहार बच्चों का मुस्तकबिल होगा रोशन। तरक्की की मंजिलें होंगी आसान। मुफ्त तालीम, मुफ्त खाना, मुफ्त रिहाइश। पाकिस्तान बैतुल माल का मुस्तहिक यतीम बच्चों के लिए एहसन इकदाम। बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए स्वीट होम में दाखिलों का आगाज। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अगस्त मुकर। गरीब इलाज के लिए जाए तो जाए कहाँ। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में हेपेटाइटिस के टेस्टों के लिए मरीजों से प्राइवेट लैब जितने पैसे लिए जाने लगे। उधर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानीबाग में हेपेटाइटिस के टेस्ट और इलाज की सहूलत थी बंद। मरीजों को सिर्फ तारीखों पर तसल्लियां दी जाने लगी। हेपेटाइटिस के महंगे टेस्टों के बाद आवाम परेशान।
न सड़कों पर सिरिफायर जलाएं, न ड्रोन का खुलेआम इस्तेमाल करें, न ही शीशा कैफे जाएं। महकमे दाखला इलेक्शन ईद उल अजहा पर सड़कों पर सिरिफायर जलाने वालों पर दफा 144 नाफिज। ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी में 3 माह की तौसी का फैसला। शीशा कैफे पर भी दफा 144 नाफिज कर दी गई। सड़कें छोटी, रस ज्यादा, मुल्तान में तजावजात की तजावजात, आए रोज ऑपरेशन, लेकिन हालात क्यों के तू। जिला इंतजामी की तजावजात के खात्मे के लिए तासरों को बयानी हल्की जमा करवाने की हिदायत। माले मुफ्त, जिले बेरहम, म्यूनसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़ वेयरहाउस कबाड़खाने में तब्दील। करोड़ों रुपए मालियत के 10 से ज्यादा ट्रैक्टर और हवी मशीनरी बड़े बड़े नाकारा हो गई। साबिक चेयरमैन के दौर में खरीदे गए नए 5 ट्रैक्टर भी गायब हो गए। शहर भर में सफाई की बदतरीन सूरत हाल। चीफ सेंट्रल इंस्पेक्टर 2 माह की छुट्टियों पर दफ्तर। कभी हादसा, कभी ट्रेनें डी ट्रैक, कोशी के करीब माहगारी ट्रैक से उतर गई। मुल्तान, बहावलपुर और रही याकाम में ट्रेनें 10 से 12 घंटे ताखीर का शिकार। कराची और लाहौर की तमाम एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों ले। मुसाफिर शदीद गर्मी में स्टेशन पर इंतजार करने पर मजबूर। आज वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद जाय हादसा का मुफाक दौरा करेंगे। शहरी एहतियात करें, मौसमी तब्दीली के बाइस मुल्तान में गैस्ट्रो की वबा तेजी से फैलने लगी। मुल्तान के अस्पतालों में 700 से ज्यादा शहरी रिपोर्ट हुए, बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर। दिहाड़ी 75 WB में कांगो वायरस फैलने का खदशा। जानवरों से फीचर की सफा के बाद जानवर पाल अफराध बीमारियों में मुब्तला। महकमा लाइफ स्टॉक खामोश, मुतासरीन काला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। ईद उल अजहा पर मिलेगा बीमारियों से पाक जानवर। जानवरों का कांगो समेत दीगर बीमारियों की रोकथाम के लिए इकदाम शुरू। सिंध से आने वाले जानवरों की सख्त चेकिंग के अहकाम जारी। कमिश्नर बहावलपुर ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान को खत लिख दिया। कोट अर्दू पोस्ट ऑफिस अमला फराज में बददियानती करने लगा। ड्यूटी औकात से घंटा पहले दरवाजे अवाम पर बंद कर दिए गए। बिजली का बिल जमा करवाने वाले खास हो गए। पोस्ट ऑफिस इंतजामिया के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। अवाम के रखवाले अवाम को ही पीटने लगे। चिश्तियां थाना सिटी पुलिस की बदमाशी। मेहनत कश बाप बेटे पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मुबैया तशद्दुद से बाप बेटे की हालत गैर। पुलिस अहलकार मौके से फरार। वर्षा का एहतजाज। रोही की खबर पर DPO का नोटिस। मुकदमा दर्ज करके मैरिट पर तफ्तीश की यकीन दहानी। गैर कानूनी शिकार न करें, महकमा वाइल्डलाइफ बहावलपुर की शिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी शिकार करने वालों को 2.5 लाख से ज्यादा के जुर्माने और चालान किए गए। गैर कानूनी कॉलोनी बनाकर शहरियों से अरबों का फ्रॉड। MD अली एसोसिएट शेख शाहिद जमाल के बेटे मोहसिन जमाल और मैनेजर इकबाल जावेद की बुरी जमानत मंजूर। अदालत का नैब से 25 अगस्त को जवाब तलब। जश्न आजादी को भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट रही आसान यकुम का 21 अगस्त तक करवाएगी खेलों के मुकाबले। उधर जिला इंतजाम में ईद और जश्न आजादी पर सपा के खसूसी इंतजाम। IG पंजाब ने पंजाब भर के अजला से 71 PROs और असिस्टेंट PROs की 2 रोजा तरबियती कोर्स की मंजूरी दे दी। बहावलपुर जिला से PRO सब इंस्पेक्टर रेहान गिलानी, PRO DPO उमर सलीम शामिल। जाली जरिए अद्वियात बेचने वालों की अब खैर नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर रहीम याकाम की जेर सदारत इजलास में फैसला। मुतालिका अफसरान को सख्त कार्रवाई की हिदायत। महकमे सेहत की जानब से डॉक्टर्स की स्केल अपग्रेडेशन। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के डॉक्टर्स शामिल। तरक्की पाने वालों में मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के डॉक्टर्स शामिल। शेख सैद अस्पताल रहीम यासान में जिला भर की लेडी हेल्थ विजिटर्स की नौमालूम बच्चों की शर्मगाह में कमी लाने बारे 1 रोजा तरबियती वर्कशॉप। और बहावलपुर मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर। बकरे, गाय और बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज। आसमानों से बातें करती कीमतें सुनकर ग्राहक गायब, व्यापारी परेशान।